आफ्टरनून बच्चों, हम फिफ्थ में जो चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हेमलीन, यानी कि इसमें हमने पढ़ा था कि जो पाइड पाइपर बांसुरी वाला है, हेमलीन के लोगों को उसने चूहों से छुटकारा कैसे दिलाया था। तो आज हम इस स्टोरी के कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पॉइट डिस्क्राइब द आईज ऑफ द पाइपर, यानी जो पॉइट है वो जो ये पाइड पाइपर है उसकी आंखों के बारे में उसने क्या बताया है। तो जो पॉइंट है ये इसके पाइपर की आंखों के बारे में इसने क्या बताया है? तो दो हम लिखेंगे यहां पे, द पॉइंट डिस्क्राइब द पॉइंट डिस्क्राइब्स द आईज ऑफ द पाइपर एज ग्रीन एंड ब्लू। ही हैज गॉट शार्प ट्विंकलिंग आईज, यानी उसकी छोटी छोटी नीली आंखें टिमटिमा रही थी, तो इसी के बारे में उसने बताया है। तो अब हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हु कम्स आउट ऑफ द हाउसेस, बच्चों इसमें बताया है कि जैसे ही बांसुरी वाले ने बीन बजाई तो घरों में से कौन भाग भाग के आ रहे थे। तो कौन आ रहे थे, हम लिखेंगे इसको रैट्स। जितने भी चूहे थे घरों में बैठे हुए तो वो सारे भाग के आ रहे थे। तो ऑल रैट्स, ऑल रैट्स कम आउट ऑफ द हाउसेस, उसकी बीन बजते ही उसकी आवाज सुनते ही जितने भी चूहे इधर उधर घरों में अंदर बाहर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे, वो उसकी धुन सुनते ही एकदम से उसके पीछे पीछे बाहर निकल आए। इसमें मैंने कुछ चुन चुन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इफेक्ट्स What effects does the Piper's music cause? What effects does the Piper's music cause? जैसे ही बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाई तो उसका इन चूहों पे क्या असर हुआ? ये तो पता ही आपको कि उसकी आवाज बजते ही, उसकी धुन बजते ही जो चूहे थे वो अट्रैक्ट हो गए, और ऐसा जादू था उस धुन में कि वो उसकी धुन के पीछे पीछे पाइड पाइपर के पीछे पीछे आने लगे। तो हम लिखेंगे आंसर में, द The piper's music causes the magic
यानी उस पाइपर्स के म्यूजिक में क्या था, एक जादुई था. एंड ऑल द रैट्स, जितने भी चूहे थे, फ्रॉम द होम्स कम आउट. इन डजन, जितने भी चूहे थे वो सारे दर्जनों के दर्जन घरों से बाहर आने लगे. इन डजन डजन्स टुगेदर. ठीक है. एंड फॉलोड किसके पीछे चलने लगे, फॉलो आउट द पाइपर्स साउंड, पाइपर्स की धुन के पीछे पीछे चलने लगे. यानी कि पाइपर की जो ये बांसुरी वाला था, उसने जैसे ही वो म्यूजिक बजाया, वो जादुई धुन उसमें से निकली, तो उस धुन की आवाज से ये चूहे सारे अट्रैक्ट हो गए. और इसकी धुन सुनते ही ये चूहे जो थे सारे घरों से बाहर आ गए. जहां कहीं ये बैठे थे वहां से वो दर्जनों के हिसाब जितने भी थे, छोटे बड़े मोटे जितने भी थे, ये सारे उसके बाहर आ गए, मकानों से बाहर आ गए और इस पाइपर्स की साउंड के पीछे पीछे चलने लगे. हाँ बच्चों, तीन क्वेश्चन तो हम कर चुके. अब इसका लास्ट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेसन, अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. तो यहां तक मुझे पता है कि आपको अच्छी तरह से ये स्टोरी समझ आ चुकी होगी. तो अब इसमें बताना है जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फोर है, हु प्लंग्स इन टू द रिवर वेसल, who plunks into the river vessel. यानी who plunks into the river vessel, river vessel में किन्नों ने जंप लगाया. तो किसने लगाया था जंप, जब चूहे सारे उसकी मीठी सुरीली जादुई धुन सुन के उसके पीछे पीछे आ रहे थे. तो आते पहुंचते वो उनको एक रिवर के पास ले गया. और जैसे ही वो रिवर के पास पहुंचा तो वहां पे वो साइड पे हो गया और चूहे सारे किस में चले गए, पानी में चले गए. तो उन सारे चूहों ने किस में दरिया में छलांग लगा दी. तो हम लिखेंगे और the rats following Pied Piper plunked into the river Besser. तो इसमें बताया है कि जितने भी चूहे थे, ऑल द रैट्स फॉलोइंग पाइड पाइपर, जितने भी चूहे इस पाइड पाइपर के पीछे चल रहे थे, प्लंक्ड इनटू द रिवर Besser, उन्होंने जंप लगाया किसमें, रिवर में. तो वो सारे डूब गए, उनमें से फिर एक ही चूहा बचा हुआ था. तो अब इसमें ये जो मैंने आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस करवाए हैं, ये आप अच्छी तरह से लर्न करना. ओके, ये चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए हैं. अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कुछ ग्रामर पोर्शन करेंगे नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू.